हेलो दोस्तों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सभी दोस्तों, जल्दी से आ जाओ और कहानी सुनो। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आ गए ना सारे के सारे? चलो तो फिर फौरन कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी चूहा और शेर की कहानी है। तो फिर मैं बिना देरी किए हुए ये कहानी आप सभी बच्चों को जल्दी से सुनाना शुरू करती हूँ। दोस्तों, एक गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था, यानी कि वन था, और उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जैसे कि शेर, चीता, हाथी, हिरण, लोमड़ी, तेंदुआ, खरगोश, भालू वगैरह वगैरह। लेकिन इस जंगल का राजा एक गब्बर शेर था। यह गब्बर शेर सभी छोटे बड़े जानवरों पर अपना शासन चलाता था और सभी जानवर जंगल के उसका कहना जरूर ही मानते थे। एक दिन यह गब्बर शेर खाना खा पी करके बहुत कस के गहरी नींद में सो रहा था। वह काफी दिनों से सोया नहीं था, इसलिए बहुत गहरी नींद में उस दिन सो गया था। लेकिन तभी एक छोटा सा चूहा उधर आया और उस नन्हे से चूहे ने शेर को बहुत गहरी नींद में सोता हुआ देखा। वह नहीं जानता था कि ये जंगल का किंग शेर है। उसे तो बस शरारत करने की सूझी थी। बस फिर क्या, वह जल्दी से शेर के ऊपर चढ़ गया और गहरी नींद में सोते हुए गब्बर शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। उछल कूद भी ऐसी कि वो लगातार कुछ भी सोचे बिना उछल कूद किए ही जा रहा था, और इस तरह काफी देर तक शेर की पीठ पर उछल कूद करने की वजह से किंग गब्बर शेर की नींद खुल गई। क्योंकि जंगल का राजा यह शेर काफी दिनों में सोया था, इसलिए गहरी नींद से जब उसकी नींद खुली, उसने अपनी आंखें खोलकर एक चूहे को अपने ऊपर उछल कूद करते हुए पाया। किंग गब्बर शेर को उस चूहे पर बहुत गुस्सा आया। शेर ने झट से उस चूहे को अपने हाथ में पकड़ लिया और नन्हे से चूहे को शेर ने बोला कि अब मैं तुमको सजा दूंगा। मैं सो रहा था, तुमने मेरी पीठ पर उछल कूद करके मुझे जगा दिया है, जिससे मेरी नींद भंग हो गई है और मैं जाग गया हूँ। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अपने आप को खा जाने की बात से चूहा बहुत डर गया। नन्ना सा चूहा शेर से हाथ जोड़ने लगा, यानी कि वह शेर से विनती करने लगा। नन्हे से चूहे ने शेर को बोला कि प्लीज मुझे छोड़ दें किंग गब्बर राजा। शेर ने बोला, मैं क्यों तुमको छोड़ दूं? तुमने मुझे नींद से जगा दिया है। लेकिन तभी नन्हे चूहे ने
बहुत हिम्मत करके शेर को बोला कि अगर आगे आने वाले समय में आप पर कोई मुसीबत आई तो मैं आपकी निश्चित रूप से मदद करूंगा। इस पर शेर को उस नन्हे चूहे को देखकर बहुत कस के हंसी आ गई। बोला, तू तो इतना छोटा है, तू क्या मेरी मदद करेगा। लेकिन चूहे ने जैसे तैसे उसके हाथ पैर जोड़ करके शेर को मना ही लिया। फिर क्या था बच्चों, शेर को भी चूहे पर दया आ गई और शेर ने उस नन्हे से चूहे को छोड़ दिया, उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। नन्ना चूहा वहां से चुपचाप अपने बिल में चला गया। प्यारे बच्चों, दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उस जंगल में एक बहुत होशियार शिकारी आ पहुंचा। शिकारी ने इधर उधर जानवरों को पकड़ने की कोशिश की और उस शेर को भी पकड़ने के लिए उस पर जाल डाल दिया। फिर क्या था, जंगल का राजा किंग गब्बर शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। शिकारियों ने उसे बहुत कस के एक पेड़ से भी बांध दिया। किंग गब्बर शेर जंगल का राजा था और बहुत ही हिम्मत वाला और साहसी जानवर था। उस शेर ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिकारियों के जाल से अपने आप को बिल्कुल भी छुड़ा नहीं सका और निराश हो गया। जाल में कैदी की तरह रहने की वजह से वह बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा। किंग गब्बर शेर के दहाड़ने की आवाज पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। उस नन्हे चूहे को भी उसी शेर की आवाज सुनाई दी। नन्हे चूहे ने उसी शेर की आवाज को जल्दी से पहचान लिया और उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो उसी शेर की आवाज है, किंग गब्बर शेर की। लगता है राजा शेर काफी परेशान है, मुझे जाकर के देखना चाहिए। इस नन्हे चूहे का बिल भी शेर की पत्थर की गुफा और उसकी मांद के काफी करीब था। नन्हा सा चूहा अपने बिल में से बहुत जल्दी निकला और जल्दी जल्दी दौड़ करके उस शेर के पास पहुंचा। तो चूहे ने देखा कि उसका किंग गब्बर शेर आज शिकारी के जाल में फंस गया है। चूहे को जंगल के किंग शेर पर बहुत दया आई और उसे याद आ गया कि जब उसने सोते हुए इसी शेर को जगा दिया था तो शेर ने उसे दया करके छोड़ दिया था। अब उसका भी फर्ज था कि वह किंग गब्बर शेर को जाल से निकाले। ऐसा सोचकर नन्हे चूहे ने जल्दी से शेर के ऊपर पड़े उस जाल को काटना शुरू कर दिया। नन्हे चूहे ने अपने छोटे छोटे मजबूत नुकीले तेज दांतों से जाल को
बहुत जल्दी काट डाला। जाल के कट जाने की वजह से जंगल का किंग राजा शेर आजाद हो गया और अब तो गब्बर किंग शेर ने छोटे से चूहे का धन्यवाद भी किया और उसे बहुत प्यार से अपने गले से लगाया और फिर किंग राजा शेर और नन्ना सा चूहा पक्के दोस्त बन गए और फिर जंगल में दोनों बहुत ही दोस्ती से रहने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक बहुत बढ़िया सीख मिलती है कि हमें अपनों से छोटों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और कभी भी उनका मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा छोटों को बहुत प्यार भी करना चाहिए और उनके ऊपर दया भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी यह कहानी शेर और चूहा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी